समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में क्या गोबर पक रहा है। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो लगता है अपोनेंट है मार्वल का भगवान। वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन लीड टू सीक्रेट वॉर्स के ऊपर, और ये काफी जबरदस्त टॉपिक है। मैं इसके बारे में सोच भी रहा था कि कैसे ये जो मूवी है ये हमें लीड करेगी सीक्रेट वॉर्स तक। और अभी रिसेंटली न्यूज भी आई है कि जो थैनोस है वो रिटर्न करने वाला है एज किंग थैनोस, और हो ना हो साथ ही हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन भी देखने को मिल जाए। तो काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरी भी है मेरे दिमाग में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो हाल ही MCU का फेज 5 चालू हुआ है, और जैसे कि MCU का फेज 4 देखा जाए तो बहुत सारी जो मूवीज है या टीवी शोज है उनका पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो बिना क्लोजर दिए ही अभी तक चले जा रहा है। चाहे आप किसी भी मूवी का देख लो, इटर्नल्स देख लो, सैंची का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, या फिर थोर लव एंड थंडर हो गया, और भी कई सारी जो मूवीज है उसका हमें पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो अभी तक क्लोजर मिला नहीं है। और स्पेशली मैं एक्साइटेड था सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ पे हमें वोंग दिखाता है कि कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है बैंगल के थ्रू, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। पर अगर मैं ट्रेलर पे आऊँ तो ट्रेलर देख के ये तो पता चलता है कि जो वॉइड है वो आने वाले समय में MCU का बैटल ग्राउंड बनने वाला है, जहाँ पे डॉक्टर डूम अपनी रंग रलिया करता है और सबको वॉर की तरफ झोंक देता है। और जिन्होंने सीक्रेट वॉर्स पढ़ी है उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ बिना स्पॉइल करे हुए। तो शायद हमें यहाँ पे डॉक्टर डूम या कैंग देखने को मिल सकता है। कैंग डायनेस्टी भी अभी उसका भी कुछ पता नहीं है कि वो आने वाली है या नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ जोनाथन मेजर का जो अभी रिसेंटली केस हुआ है उसके वजह से। पर हो सकता है कि इसी मूवी में हमें ये भी बता दिया जाए कि अगला कैंग कौन होने वाला है। इसके पूरे चांसेस मुझे लग तो नहीं रहे हैं, पर क्या पता। इसके पोस्ट क्रेडिट बताया जा रहा है इस मूवी का वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें हमें कैंग दिखाया जा सकता है या डॉक्टर डूम दिखाया जा सकता है। पर अगर ट्रेलर पे बात करूँ तो ट्रेलर में जो वुल्वरिन हमें दिखाया गया है ये एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास से लिया हुआ वुल्वरिन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको ये ड्रीमी सीक्वेंस देखने को मिल रहा है ग्रेव का, ये एक हिसाब से डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में अगर आपको याद है सेंटिनल्स की जो शिप है वो इसी शेप के थे, और ये जो ग्रेव है इनका भी शेप कुछ ऐसा ही दिख रहा है, या फिर ये जो वुल्वरिन है ये कोई और दूसरी टाइमलाइन से आया हुआ वुल्वरिन हो सकता है, और यही वो वुल्वरिन है जिसने अपनी टीम को मार दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेलोसिनेट कर रहा है कि जो उसकी टीम है वो उसकी दुश्मन है। जिनको पता है कि लोगन कितना पावरफुल म्यूटेंट है वो ये भी जानते हैं कि वो इमोशनली बहुत वीक भी है, और यही बात यहाँ पे ट्रेलर में देखने में समझ में आ रही है कि वो अपने दोस्तों की डेथ पे बहुत ज्यादा अफसोस जता रहा है और बहुत ही टूट गया है अंदर से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा ही इन सब की जिम्मेवार है, और यहाँ पे ये देखने में पता भी चलता है कि ये वुल्वरिन को कंट्रोल भी कर रही है जिस हिसाब से वो वुल्वरिन के सारे वार्स को डॉच कर पा रही है। और ये जो सीक्वेंस है डेडपूल एंड वुल्वरिन की लड़ाई, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है जो वुल्वरिन है वो शायद कैसेंड्रा नोवा के कंट्रोल में है, या फिर वो अपने मन से लड़ रहा है डेडपूल से, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हो सकती है। पर यार अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मुझे ये वुल्वरिन का जो क्लोज निकलना है वो एक नंबर का शॉट लगा पूरे ट्रेलर में। और जिस हिसाब से डिटेलिंग दिखाई गई है इसके क्लोज में, भाई लग रहा है कि इसका जो ग्लव्स है वो भी एडमेंडियम का बना हुआ है, जब क्लोज निकल रहे हैं तो उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये डिटेलिंग भी देख के काफी बढ़िया लगा। पर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में जो विलन है वो कौन होने वाला है। सबको लग रहा है कि भाई कैसेंड्रा नोवा है, क्योंकि उसको फीचर वैसे किया गया है और मार्वल की आदत है, वो आपको ट्रेलर इस हिसाब से दिखाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि इस मूवी का विलन यही हो सकता है। पर यहाँ विलन की भरमार दिख रही है हमें, और मेरे हिसाब से तो ये पैराडॉक्स जो है ये भी एक विलन हो सकता है। आप खुद ही सोचो, इस बंदे के हाथ में टीवी है, मतलब पूरा कंट्रोल कर रहा है, और टीवी के सारे गैजेट्स है, ये किसी को भी प्रून कर सकता है और वॉइड में भेज सकता है, इसी के साथ ये हमेशा के लिए टाइमलाइन मिटा सकता है, तो काफी बड़ी पावर हो जाती है। और आप ये मत समझना कि भाई इसके पास कोई खुद की पावर्स नहीं है, तो ये एक वीक अपोनेंट है। अगर आपने सिविल वॉर देखी है तो वहां पे जो जिमो है वो उसके पास कुछ भी पावर नहीं होती है, पर उसका ब्रेन सबसे बड़ी उसकी पावर होती है,
तो किस हिसाब से फंसाना है चीजों को, ये उसको बखूबी आता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो पैराडॉक्स है, जिसके हाथ में टीवीए की चाबी है, तो वो भी एक विलन हो सकता है गेस। पर मैं ज्यादा हैरान हुआ इस ट्रेलर में तो वो ये देख के हुआ कि जो एंटमैन का शरीर है वो यहाँ पे कैसे आया। कई लोग थ्योरी बता रहे कि भाई ये एंड गेम से आया है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि एंड गेम में वो यू नो जायंट बन के फाइट करता है। पर अगर हम ओल्ड मैन लोगन की कॉमिक बुक देखें, वहाँ पे हैंक पिम होता है जो कि यू नो जायंट बन जाता है, और इसी हिसाब से उसका भी जो शरीर है वो इससे भी बदतर अधमरे हालात में चला जाता है। और देखा जाए तो ये उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, पर यहाँ पे हमें स्कॉट लैंग का शरीर देखने को मिल रहा है जो कि एंटमैन है, या फिर ये कोई और वेरिएंट भी हो सकता है स्कॉटलैंड का, या फिर ये कोई और एंटमैन हो सकता है। तो सारी चीजें तो क्लियर होगी मूवी आने के बाद। पर अगर आपको याद है कि वॉइड में हमें यू नो लोकी एपिसोड 5 में देखने को मिला था येलो जैकेट का सर, तो उस हिसाब से लग रहा है कि यार कुछ तो बड़ा हुआ है किसी अलग ही यूनिवर्स में, जहाँ पे यू नो वॉइड में काफी सारी चीजें आ गई है। और कैसेंड्रा नोवा वॉइड में कैसे आई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसके साथ ये जो एक्समैन के यू नो विलन्स है वो कैसे आ गए, क्योंकि जहां तक हमने देखा है वो सारे विलन्स मर चुके हैं किसी ना किसी हालात से, चाहे आपका ये अज़ाज़ल हो या लेडी डेथ हो, कई हद तक जो विलन है वो सब मर चुके थे। इवन इनका जो यूनिवर्स है वो पूरा कोलैप्स ही हो गया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जितने भी म्यूटेंट और कैरेक्टर है ये सारे बिलोंग करते हैं यूनिवर्स 1005 से, और इन सब की डेथ हो चुकी थी। पर यहाँ पे ये कैसे दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसी चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा यू नो एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए कि ये सारे कैरेक्टर वापस जिंदा कैसे हो गए, और हो ना हो इनका काफी बड़ा रोल होने वाला है सीक्रेट वॉर्स में। तो मैं सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके, और मैं इस चीज के बारे में भी काफी समय से यू नो सोच रहा हूँ कि डेडपूल में ये जो सीन हमें दिखाया गया कि जो पोर्टल है जहाँ से यू नो वुल्वरीन और डेडपूल जंप कर रहे हैं, ये मतलब जगह तो एंटमैन का स्कल है उसकी आंख से जंप कर रहे हैं, पर ये जो पोर्टल है वो किसने खोला है। कई लोग बता रहे हैं कि भाई ये नेड हो सकता है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई क्या पता नेड ने मस्ती मजाक में ओपन कर दिया है, या फिर यू नो डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है, या फिर वोंग हो सकता है, या कोई अदर यू नो सोर्सर हो सकता है जो ये पोर्टल ऑन कर रहा है। पर इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है कि शायद मेरे हिसाब से ये जो पोर्टल है ये वोंग ने ओपन किया है। इसके पीछे मैं आपको यू नो रीजन बताता हूँ क्यों। अगर आपको सांगची के पोस्ट क्रेडिट सीन याद है तो वहाँ पे वो जो रिंग है वो यू नो सिग्नल ट्रांसमिट कर रही होती है, और वोंग ही है जो ये इस थ्योरी को खोलता है कि भाई ये जो चूड़िया है ये एक हिसाब से सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है। और जो मेरी थ्योरी है वो मुझे ये बता रही है कि ये कैंग से रिलेटेड नहीं है, क्या पता ये जो चूड़िया है ये कैंग की हो ही ना हो, और अगर ये कैंग की नहीं है क्योंकि ये हाई टेक है काफी, तो ये हो सकती है डॉक्टर डूम की, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कि शायद ये डॉक्टर डूम है जो कि ट्रांसमिट करवा रहा है चूड़ियों से सिग्नल, और इसी के द्वारा यू नो वोंग जो है वो पोर्टल खोलता है। और ये चीज इसलिए भी सेंस बना रही है मेरे लिए कि क्या पता वॉइड के अंदर डॉक्टर डूम भी फंसा हुआ है और वो वहां से यू नो बाहर निकलना चाह रहा है। वैसे देखा जाए तो एलायत कोई इतना बड़ा भी मॉन्स्टर नहीं है डॉक्टर डूम के लिए, डॉक्टर डूम को भी काफी यू नो मैजिक आता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर डूम ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। पर क्या पता जैसे हमें कैंग देखने को मिला, भी पावरफुल था पर वो यू नो क्वांटम रिल में फंसा हुआ था, तो उसी हिसाब से डॉक्टर डूम भी हमें यू नो वॉइड में फंसा हुआ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि कैंग की स्टोरी अभी तक आगे बढ़ नहीं रही है, और जैसा कि हम जानते हैं मार्वल वाले प्लान कर रहे हैं फैंटास्टिक फोर की नई मूवी आने के लिए, होपफुली 2025 तक वो मूवी भी आ जाएगी, पर उससे पहले टीज करना बहुत जरूरी है डॉक्टर डूम का। हमें लगा था कि भाई वकांडा फॉर एवर में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा नमोर के साथ, पर वो भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि क्या पता यहाँ पे यू नो सीक्रेट वॉर्स आने वाली है 2027 में, या फिर 28 कह रहे हैं कई लोग, तो क्योंकि दो पार्ट में बनेगी। इवन कैंग डायनेस्टी का भी कुछ अता पता नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीजों को इस हिसाब से सेटअप करेंगे कि भाई डॉक्टर डूम का भी टीज हमें देखने को मिल जाए, क्या पता कोई अलग ही विलन हमें यू नो सेटअप मिल जाए डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में। पर इसी के साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि ये जो मूवी है ये एक हिसाब से बड़ा सेटअप तो करेगी, पर इसमें जो लड़ाई है वो अच्छे बुरे की नहीं होगी, समझ रहे हो। और ये
हम मार्वल फैंस को एक हिसाब से ट्रीट दिया जा रहा है, एक एक्सपीरियंस हमें करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिया भी आपको हिट करवाएंगे इस मूवी के थ्रू, जहाँ पे यू नो एक्समैन की टीम हमें देखने को मिलेगी अलग अलग, और जो फॉक्स स्टूडियो है उससे टूट कर, जैसा कि आपको याद है कि मार्वल के पास वापस राइट आ गए हैं सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के, जितने भी कैरेक्टर्स है एक्समैन के वो सारे यू नो मार्वल के अंदर एंट्री करते हुए दिखाएंगे, और जहाँ पे वॉइड में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो हमें यू नो आगे तक याद रहेगा। रही बात पोस्ट क्रेडिट की, तो ये सारी थ्योरी है, मुझे पता नहीं कि भाई उस स्टूडियो का कनेक्शन कैसा है डॉक्टर डूम से या कैंग से या किसी भी अलग अल्टरनेटिव से, क्योंकि वो चूड़िया इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में हमें सैंक्ची का पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा सीक्रेट वॉर से पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो हमें जैसे थॉर लव एंड थंडर में यू नो इटर्निटी दिखाई गई थी, जो कि काफी एपिक लेवल का यू नो सीन था, भले मूवी काफी हग्गू थी, क्या पता कैंग का नया वेरियंट मिल जाए या ये लोग डॉक्टर डूम का टीज कर दे, कुछ भी हो सकता है। यू नो पोस्ट क्रेडिट सीन बवाल होने वाला है सुनने में आ रहा है, और ये जरूर लीड करेगा हमें सीक्रेट वॉर्स तक, क्योंकि ह्यूज जैकमैन भाई सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलेंगे, तो इसके पूरे पूरे चांस है कि कुछ बड़ा टीज होने वाला है पोस्ट क्रेडिट सीन में। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है सीक्रेट वॉर्स को लेके, और ये जो मूवी है डेडपूल एंड वुल्वरीन इसको लेके, आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता सकते हैं, और ऐसे कौन से कनेक्शन है जो मैं पता नहीं कर पाया हूँ, या और उन्हें अगर पता करे तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में लिख के बता दो, ताकि यू नो मुझे भी पता चल जाए, क्योंकि ट्विटर पे मैं आजकल ज्यादा एक्स पे मैं आजकल ज्यादा यू नो एक्टिव नहीं हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है, इस वजह से थोड़ा दिमाग चल भी नहीं रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या आपकी क्या थ्योरी है, और आपने क्या क्या चीज़ें यू नो फाइंड आउट करी है इस ट्रेलर में से। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ, और जाने से पहले बता दूँ इसी चैनल के आप नीचे आओगे तो आपको मेरा रिएक्ट चैनल भी देखने को मिल जाएगा, जो मैंने अभी रिसेंटली चालू किया है, वहाँ पे मैं ट्रेलर रिएक्ट करने वाला हूँ और मीम्स पे रिएक्शन बनाने वाला हूँ, तो जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपको किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम।